शनिवार को वेतन आयोग की चंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए ग्रामीण डाक कर्मियों ने क्रांतिकारी ब्रजमोहन के लिखे हुए गीत जारी है हड़ताल हमारी जारी है हड़ताल को गाकर विरोध किया। मंडल के सभी ग्रामीण डाक सेवक प्रधान डाक कार्यालय पर इकट्ठा होकर वित्त मंत्री के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया। ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि डाक विभाग जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों की अहम भागीदारी होती है, आज महंगाई को देखते हुए ग्रामीण डाक सेवक जिला सैनिक सीमित वेतन में पूरे दिन कार्य करता है। इतने कम वेतन में परिवार का खर्च चलाता है, लेकिन कमेटी की संस्तुति रिपोर्ट को लागू करने में सरकार हिला हवाली कर रही है। यदि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द लागू नहीं करती है तो डाक विभाग की सारी व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। हड़ताल पर बैठे डाक सेवकों में मुख्य रूप से रमेश शुक्ला, सत्यजीत कुमार, चिंतामणि मिश्रा, नरेंद्र यादव, आनंद पांडे सहित विभिन्न मंडलों से आए ग्रामीण डाक सेवक संघ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण डाक सेवक संघ के पदाधिकारियों ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जीडीएस एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये ग्रामीण डाक कर्मचारियों की जो हड़ताल अब अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है। हमारी एकता को देखते हुए भारत सरकार जो है अब जो है यह सोचने पे विचार कर रही है कि अब इनकी हड़ताल से हमें बहुत घाटा हो रहा है और वो हमारी मांग जो हमारी मांग चंद्रा कमेटी रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए अब जो है कार्रवाई प्रारंभ की है। और यह हड़ताल हम लोगों का संयुक्त रूप से सभी यूनियनों के तरफ से 22 तारीख से लगातार चल रहा है और यह तब तक वापस नहीं होगा जब तक चंद्रा कमेटी का आदेश मिल नहीं जाएगा। सरकार अपने डीजी स्तर से अनेकों बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता की है लेकिन उसमें सिर्फ आश्वासन दी है और एक महीने का समय मांगा है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों के आग्रह पर टोटल उसको रिफ्यूज कर दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि जब आदेश आप लागू कर देंगे तभी एजीडीएस का हड़ताल वापस होगा।